पारिवारिक संबंधों में पड़ रही दरारों से आज आपराधिक छवि की संतानों का पल्ला भारी होता जा रहा है। पुत्र और बहू के अत्याचार व असहनीय पीड़ा झेल रहे एचआरटीसी कॉलोनी तारा देवी के बुजुर्ग सुलखन कुमार ने इन परिस्थितियों से पार पाने का कदम उठा लिया है और अपने बेटे व बहू को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है। मैं सुलखन कुमार जी तारा सफाई का काम करता जी। मेरा बच्चा जो है लाडी लाडी अजेश बहुत गलत है, दारू पींदा वा, बदतमीजी करता वा, सबको गाड़ी क्रोच करता, भैन को भी, जीजिया को भी, भाई को भी, माँ को भी और मेरे को भी। अगर इसका जो है लेना देना ये खुद आप करेगा, मैं कोई जिम्मेदार नहीं इसका। बाद में कुछ ऐसा करता हुआ जब भी है जिम्मेदारी ये खुद आप जिम्मेदार होगा, मैं इसका कोई बड़ी बात से नहीं है। आपने कंप्लेंट भी करी कहीं पे? हाँ मैं की है, थाने में भी की हुई है और मैं अखबार में भी दिया हुआ है। ठीक है जी, वो कल न्यूज से आ जाएगा। और मेरे साथ ही ऐसा रात को ऐसा बकवास किया, रात के 2 बजे तक टीवी देखता रहा और इन्हें 50,000 था टीवी अपना किसे गिरवी पाया ही। ठीक है जी, अभी 21,000 मतलब इन्हें 21,000 50,000 की चीज 21,000 छिड़वा के अपने घर में रखी है। इन्हें नवाली बेची है इन्हें, ठीक है जी, इन्हें बादशाह मशीन दिती है इन्हें, ठीक है, इन्हें बेड बेचे इन्हें, बाकी ये बर्तन रह गए हैं वो भी इन्हें बेचने हैं। और ये जो 21,000 का ही टी वी छिड़वाया वो भी लेना चाहता है, वो भी बेच के इन्हें दारू पीनी है। और मैं इन्ना दुश्मन बनया हद तों ज़्यादा, ये पता नहीं रात को मार को मार दे पीट दे। ठीक है जी, ये गवर्नमेंट होएगी जिम्मेदार। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।